आरएसएस और उससे जुड़े हुए संगठन के बारे में जो सवाल किए गए थे, आखिर उसका मकसद क्या? मिले थे, मैं उन इनपुट को अभी आपके सामने शेयर नहीं कर सकता हूं, और बहुत ही स्पेसिफिक इनपुट मिले थे। क्या ये आरएसएस नेताओं की सुरक्षा के संबंध में, और वो नेताओं की सुरक्षा या फिर उनसे खतरा पूरे राज्य को थी, ये मामला था? आरएसएस के संबंध में उन पर खतरा, आरएसएस के नेताओं पर, ये स्पेसिफिक इनपुट आया था। आई कैन नॉट शेयर एट दिस मोमेंट, और उसके आलोक में विशेष शाखा यथासम्मत कार्रवाई करती। जिस पत्र की आप बात कर रहे हैं और जो मीडिया में वर्णित हो रहा है, उसके संबंध में जांच की गई है, और ये स्पष्ट हुआ है कि उपरोक्त पत्र पुलिस अधीक्षक के स्तर से ही निर्गत हुआ है। उसकी कोई भी जानकारी किसी अन्य पदाधिकारी को नहीं थी। पुलिस अधीक्षक ने अपने ही स्तर से पत्र भेजकर सामान्य सूचनाएं और जानकारी मांगी है। उस पत्र के संदर्भ में संचिका में किसी का कोई अनुमोदन नहीं है। पुलिस मुख्यालय के स्तर से, गृह विभाग के स्तर से, सरकार के स्तर से या अन्य किसी भी स्तर की कोई जानकारी नहीं है। उनकी कोई भूमिका नहीं है, उनका अलग से कोई निर्देश, आदेश या इंडिकेशन भी नहीं था। वस्तुतः किसी को जानकारी ही नहीं थी। पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग या बड़ी स्तर को न। तो इस पर जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संपादक संतोष सिंह। संतोष जी, आरएसएस को लेकर पुलिस मुख्यालय का बयान आया है, क्या कुछ बयानों में कहा गया है? देखिए, पुलिस मुख्यालय ने जो स्थिति स्पष्ट किया कि ये जो सूचना संग्रह किया गया, उसके पीछे सुरक्षा एक बड़ा मसला है। सुरक्षा को लेकर ये जानकारी ली गई थी। कुछ ऐसा इनपुट आया था कि जो आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर थ्रेट है, उसी के संदर्भ में ये सूचना संग्रह किया गया है। लेकिन ये जो इसका जो तकनीकी पहलू है या जो प्रोसेस है, तो पुलिस मुख्यालय में जो प्रोसेस बताया कि इस तरह की सूचनाओं को संग्रह के लिए बड़ी अधिकारियों की सहमति या बड़ी अधिकारियों की जानकारी होनी चाहिए थी, वो जानकारी नहीं है। इसलिए इस पद पर जो तैनात है, इस पद जो आईपीएस अधिकारी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पत्र निर्गत है उसमें सूचना सारे अधिकारियों को दिया गया है, और विशेष शाखा में भी जो कह सकते हैं कि पत्राचार का जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में भी इन चीजों का क्या ख्याल रखा जाता है कि एसपी लेवल से ही सारी चीजें जनरेट होती है। तो ये एसपी लेवल से ये पत्र निर्गत हुआ है, भेज हुआ है, निजी अधिकारियों को इसकी जिम्मेवारी दी गई है, और एसपी अपने आप में इस तरह की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अधिकृत भी है। लेकिन अब देखना यह कि सरकार इस मसले पर इतने बैकफुट पर है, जिस तरीके से खबरों को परोसा गया है, या कहे कि इस खबरों को लेकर जिस तरीके से लगातार बिहार की राजनीति चल रही है, और उसमें जो बीजेपी और जदयू के बीच जो दूरियां हैं, ये दिखाने की जो कोशिश हो रही है, इस पत्र ने उसमें कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम किया है। जिससे सरकार कहीं ना कहीं डिमोरलाइज है, और यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है विशेष शाखा के डीजी काफी नर्वस दिख रहे थे। उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं दिख रहा था, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जी, तो अब वो तनाव में थे, और पत्रकारों के सवाल के जवाब देने में वो बार बार कह सकते हैं कि अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, ये साफ दिख रहा था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जेवीएम के कई नेताओं ने जेवीएम छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। शामिल होने वाले नेताओं में जेवीएम के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मुन्ना मल्लिक, केंद्रीय कोषाध्यक्ष के पौदार और प्रवक्ता योगेंद्र प्रताप शामिल हैं। इसके अलावा काफी संख्या में उत्तरी छोटा नागपुर के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रतिनिधियों ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि अपने पुराने साथियों के बीजेपी में दोबारा आने से पार्टी को और ताकत मिलेगी। वहीं नेताओं ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये साफ हो गया है कि पूरे देश के लोग की पसंद बीजेपी ही है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और कार्यशैली से ही देश आगे बढ़ेगा। प्रदेश मुख्यालय में
आज विभिन्न राजनीतिक दल जैसे झारखंड विकास मोर्चा और बहुत अच्छा संख्या में सिख समुदाय विभिन्न क्षेत्रों से आप बैठ जाइए 5 मिनट। इसके बाद अपना पूर्व विधायक बलजीत जी उनका भी और के पोदार जी जो है इसके जोगेंद्र प्रताप दी